नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी दी बिगर बड़ी पगड़ लाल अभी बिल्कुल देसी अंदाज में खबर सीधे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे सीधो हमला है। और कौन को है? बसपा के सांसद को। पूरा मामला क्या है आ जाओ पूरी बात बताएं आपको। बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलो है। अफजाल गाजीपुर की एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहे एक विचाराधीन मामले को लेकर पेशी पर आए हैं। न्यायिक कार्यान्वयन के बाद उन्होंने बीजेपी पर जम के निशानों साधो है। अंसारी ने बीजेपी और बीजेपी से जुड़े राजनीतिक लोगों पर तंज कसते हुए कही है कि लोग घमंड में चूर हैं और कतई मगरूर हैं। अफजाल अंसारी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर के कार्यकाल में हुए कई नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े करे हैं। सांसद ने तंज कसते हुए कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है कि 24 घंटा में आनन फानन में इलेक्शन कमीशन नियुक्त कर दियो गयो, या को लेकर देश को हर एक पड़ोली हो इंसान चिंतित है। ऐसो या नहीं आए कि सरकार और कार्यपालिका न्यायपालिका को अस्तित्व खत्म कर देना चाह में है कि लोग। उन्होंने आगे कही है कि सरकार दोष भी खुद लगावे, दोषी भी खुद ठहरावे और सजा भी खुद दे है। वहीं अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री पर जम के हमला बोलो है और कही है कि मोदी 8वीं पास है और जबकि उनको ड्राइवर हाई स्कूल पास है। मोदी जी से ज्यादा ज्ञानी और पढ़े लिखे लाखों करोड़ों लोग या देश में है। अफजाल के मुताबिक बीजेपी ऐसो वृक्ष है जाके नीचे कोई भी फसल नहीं उग सके। उन्होंने आगे कही है कि जो 25 साल तक कानून से भाग रहे हो उनके ऊपर 5 लाख को इनाम घोषित रहे हो, आज सत्ता की ताकत है कि उनके साथ खड़ी है। उत्तर प्रदेश में जो माफियान की लिस्ट है वहां में ब्रजेश सिंह का नाम शामिल है, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 पर टिप्पणी करते हुए अफजाल अंसारी ने कही है कि केंद्र में मोदी सरकार आने वाली नहीं है। यूपी में 80 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी की 200 सीटें भी नहीं आएंगी। सांसद ने आगे उन्हें मालूम है कि मोदी जी 8वीं पास हैं जबकि उनको ड्राइवर हाई स्कूल पास है। कितनी बड़ी बात अफजाल अंसारी ने कही, आपको बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि सीधो निशानों बसपा के एक सांसद ने देश के प्रधानमंत्री पे करो, और ऐसे समय में करो है कि जब कोई बोलने वाला और कोई सुनने वाला नहीं, और भोपू मीडिया दिन रात अपने गीत गाने में लगी हुई है और रोज प्रवचन देने में लगी हुई है, बड़ाई के पहाड़ ठाड़े कर रही है, ऐसी स्थिति में बसपा के एक सांसद ने सीधो हमला करो तो कि बहुत बड़ी बात है। खबर कैसी लगी आपको? खबर अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहो, दूर दूर तक खबर को पहुंचाते रहो, और नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात करूंगा। जब तक के नहीं ना देसी दे बिगड़ भी नहीं बगड़ लागला फिर बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।